जय श्री राम। और ये है सैमसंग का गैलेक्सी वॉच 4। सैमसंग का बहुत ही अपग्रेडेड और लेटेस्ट प्रोडक्ट है। हालांकि इससे भी लेटेस्ट एक सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 लॉन्च हो चुका है मार्केट में, बट कस्टमर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इसको भूलने ना लगें, इसलिए सैमसंग ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा बेहतरीन किया कि जो कस्टमर्स हैं वो इससे लगाव बना कर रखें। और मार्केट में अभी भी ये अवेलेबल है, आप इससे परचेजिंग भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सैमसंग ने ऐसा क्या किया है जो ये घड़ी अभी भी मार्केट में उतना ही अपने लिए इंटरेस्ट बना कर रखी हुई है, और ऐसा क्या इसमें खास है, ऐसे क्या फीचर्स हैं जो कि इसको एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सैमसंग ने कुछ ऐसा किया है कि आप जान ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे कि इसमें एक UI का अपडेट दिया है, UI 4.5 इसमें आ गई है, और नियर अबाउट 900 MB का अपडेट था। ये एक वॉच के हिसाब से बहुत ही मेजर अपडेट था और बहुत ही हैवी अपडेट था। नियर अबाउट 1 to 2 hours इसको डाउनलोड करके, कॉपी करके, वॉच में भेजते हुए और फिर सेटअप करके इसमें नियर अबाउट इतना टाइम लग गया। और उसके बाद इसमें जो फीचर्स आए वो बहुत ही अच्छे थे, कमाल के फीचर्स इसने दिखाए हैं। सबसे स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले तो याद होगा कि अब हम यहाँ पे जब पहले इसको खोलते थे तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज के लिए 2-4 सेकंड का वेट करना पड़ता था, तब यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आता था, ठीक है। तो वो अब डायरेक्ट आ रहा है और डेट को नीचे शिफ्ट कर दिया है। हालांकि डेट देखने के बाद गायब हो जा रही है, बट डेट नीचे आ गई है, बैटरी परसेंट आपको डायरेक्ट दिख रहा है। और यहाँ पे ब्लूटूथ का जैसे भी कनेक्ट है ब्लूटूथ से, वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद जब आप कॉल पे आते हैं और डायल पैड दबाते हैं तो आपको यहाँ पे, अगर आपके सिम में डुअल सिम की सर्विस है और आप 2 सिम इसमें डाल रखे हैं, तो यहाँ पे सिम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आएगा और आप डायरेक्ट घड़ी से ही सिम स्विच करके आप कॉलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका सबसे जो हाईलाइट होती है इसके वॉच फेसेस। तो सैमसंग ने कुछ नए वॉच फेसेस इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि सबसे पहला तो यही वाला है, और इसके बाद जो है कई सारे वॉच फेसेस, जैसे ये कलर्स वाला, और ये एक और भी सुविधा है कि आप अपने फेवरेट वॉच फेसेस को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, जो भी आपको, ये एनिमल वाला वॉच फेस न्यू है, और ऐसे कई सारे वॉच फेसेस को अपडेट भी किया है प्लस न्यू वॉच फेस ऐड किए हैं, जैसे ये इमोजी वाला वॉच फेस और कई सारे वॉच फेसेस में इसमें डिफरेंस आया है। तो ये नया वॉच फेस है, ऐसे ही उन्होंने कुल 6 वॉच फेस ऐड किए हैं और ये हमें मेरा फेवरेट आया है। ये वॉच फेस जो है बहुत ही सुंदर और यूनिक वॉच फेस है सैमसंग की तरफ से। नेक्स्ट है, जब आप मैसेज टाइप करते हैं तो याद हो आपको यहाँ पे सैमसंग का अपना कुछ पेयर के साथ में लेटर्स दिए रहते थे, तो वो जो है टाइप करने में उतना ज़्यादा हैबिचुअल नहीं थे। तो सैमसंग ने फुल क्वालिटी कीपैड का इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, अब आप फुल क्वालिटी कीपैड से टाइप कर सकते हैं। और अगर आप नीचे से ऊपर को स्वाइप करेंगे तो आप जो है इनपुट मेथड्स के बीच में डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं, ABC न्यूमेरिक या जो भी स्वाइप वाला, स्वाइप गेस्चर्स के साथ में ये अब कीबोर्ड अवेलेबल है। लेकिन इन सब फीचर्स को ऐड करते करते सैमसंग एक चीज़ मिस कर देता है, भूल जाते हैं वो लोग कि इस वॉच के अंदर बैटरी कैपेसिटी सिर्फ 300 mAh की है, जिस कारण फीचर्स तो हमें बहुत सारे मिले हैं लेकिन हम इनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, इसमें GPS एप्स का, घड़ी का खुद का अपना है, आपको फ़ोन के GPS को ट्रैक नहीं करती, इसका खुद का अपना GPS है, बट आप उसे जैसे ही ऑन करते हैं आपकी बैटरी लाइफ नियर अबाउट आधी हो जाती है। तो मैं, अगर मुझे इस घड़ी को एज अ घड़ी चलाना है तो दिन भर मुझे लगता है कि मैं अगर सारे फीचर ऑफ करूँ और सिर्फ मैं एज ए घड़ी इसको यूज़ करूँ तो सिर्फ एक दिन मेरा चलता है ये, और अगर मैं सारे फीचर यूज़ करने लगा तो मैं इसका चार्जर और एक पावर बैंक साथ में लेके चलना पड़ता है मुझे एक घड़ी को चार्ज करने के लिए। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात है। और एक ये 3D इमोजी फीचर ऐड किया है, अब बताइए अगर 3D इमोजी फीचर ऐड करेंगे तो क्या ये बैटरी के पावर कंजप्शन को इंक्रीज़ नहीं करेगा? अब इंक्रीज़ तो करता ही है, साथ के साथ में ये वॉच को स्लो डाउन करता है, आपकी इसकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है क्योंकि एक वॉच है, कोई वीडियो देखने का गैजेट नहीं है ये। नेक्स्ट फीचर है इसका, एक कैमरा कंट्रोल उन्होंने दिया है, मींस आप ऐसे समझिए कि आप घड़ी बांधे हुए हैं और अपने फ़ोन का कैमरा आप अपनी घड़ी के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं, बट वो मुझे शो नहीं हो रहा है कहीं, ना तो कैमरे का कहीं लोगो आ रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैं वीवो का X80 Pro यूज़ करता हूं। और कुछ चीज़ें अगर आपको बेहतर तरीके से सैमसंग की वॉच की समझनी है तो आपको सैमसंग टू सैमसंग कनेक्टिविटी आपको ज़्यादा
एनरिच एनवायरनमेंट एक तरीके से कहें फीचर रिच माहौल आपको देती है। तो हो सकता है कि एक दो फीचर मैं इस वजह से मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सैमसंग का फ़ोन नहीं है। कुछ फीचर एक्सेसिबिलिटी में बढ़ाए हैं, जैसे कि हियरिंग परफॉर्मेंस पे, जैसे कि कोई इनको जिसकी हियरिंग की प्रॉब्लम हो, विजुअल प्रॉब्लम हो, तो उन चीज़ों के लिए जो है सैमसंग ने इसमें चेंजेस किए हैं। और सबसे लास्ट जो है इसकी परफॉर्मेंस, अब इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ हो गई है, लेकिन वो जो आप समझ रहे होंगे कि प्रोसेस अगर बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो बैटरी कंजम्पशन भी बढ़ता है उसी के साथ साथ। तो ये आपको एक देखना है। और सैमसंग ने जो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5, आपको उस पर स्विच करना चाहिए 4 को स्वाइप करके। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा सैमसंग ने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 में। बैटरी कंजम्पशन वही है और बैटरी कैपेसिटी भी उन्होंने नहीं बढ़ाई है। तो अगर इनकेस 2-4 फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा, और हाँ आपने रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो ये आपको एक बार देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आपको गैलेक्सी वॉच 2, 3 या 4 से आपको 5 पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और ऐसा भी कुछ नया नहीं है कि मार्केट में तहलका मचा दियो, जैसे कि इतने बड़े बड़े बेजल हैं ये सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में थे, 3 में थे, 2 में थे, अगर इन्होंने बिल्कुल गायब करके बिल्कुल किनारे तक ही स्क्रीन दी होती, कुछ बहुत ही डिफरेंट क्रिएटिविटी करके दिखाई होती तो आदमी एक बार सोचता। बाकी कोई बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं करके दिखाया है। तो ये थी गैलेक्सी वॉच 4 और ये इसके कुछ फीचर्स और नए अपडेट थे। आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर कोई अदर फ़ोन से आप कनेक्टेड हैं, इस वॉच को आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी कनेक्ट करने में अपडेट के बाद में। कुछ इन्होंने ऐसा किया है कि सैमसंग के साथ तो ये तुरंत ही पेयर हो जा रही है, लेकिन अदर वॉचेस अदर फ़ोन के साथ इसको पेयर होने में समय लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री राम और धन्यवाद।